गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी इतनी छोटी सी हेल्प मेरे लिए इतना बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। तो आपसे मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपकी इतनी छोटी सी सपोर्ट मेरे फेस पे स्माइल ला सकती है, मेरे बच्चे की भविष्य बना सकती है। तो प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं आज अपने एक भाई पे ये वीडियो बना रही हूँ, जो भाई मुझे वो यूट्यूब पे मिला है, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करता है कि मेरा दिल खुश हो जाता है उसका कमेंट पढ़ के। तो मैं उसे तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि भाई तुमने मेरे लिए इतना सोचता है। भाई ने ये बोला कि दी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कहीं भी कोई दिक्कत हो तो ये भाई को एक बार याद कर लेना। तो ऐसा भी बोला था, दी मैं आपके इतना बड़ा आदमी अमीर नहीं हूँ, गरीब हूँ। तो भाई मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, अमीर गरीब कोई भी नहीं होता है, हमारे पास दिल होना चाहिए, है ना? नहीं गरीब है कोई, नहीं अमीर है कोई, कोई नहीं होता है भाई। गरीब अमीर सब बराबर है, सबको देखो एक समान तो एक ही है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी बहन भी मान रहे हैं, जो गंदे लोग होते हैं गंदे कमेंट करते हैं। तो भाई तुमने मुझे अपनी सिस्टर माना, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये छोटी सी स्माइल तुम्हारे कमेंट पढ़ के मेरे फेस पे आया है, नहीं तो मैं ये इस यूट्यूब पे वीडियो बना के अब मतलब हार सी गई कि मतलब लगता है इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं अब तुम्हारे कमेंट पढ़ के मैं कोशिश फिर से कर रही हूँ कि हो सकता है ऐसे ऐसे भाई मिले तो मेरा हेल्प हो सकता है। अच्छा, मैं दो बच्चे को पाल सकती हूँ, अपने दो बच्चे के भविष्य दे सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प कीजिए। और जैसे कि तुम बोल रहे थे कि मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊँ, शेयर करूँ, तो भाई मेरा लाइफ बहुत दर्दनायक है। मैं नहीं बोल पाऊंगी उतनी, अंदर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत मैं अपने दो बच्चे के लिए लाई हूँ, कि यूट्यूब पे भी मैं अपने बच्चे के लिए ही आई हूँ। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है भाई कि मैं अपने लाइफ के बारे में शेयर करूँ। और उसमें एक प्रॉब्लम और है कि जैसे कि जो हमारे हस्बैंड के साथ हुआ है, तो उसमें कुछ पुलिस केस चल रहे हैं, तो वो मैं अभी चैनल पे आप लोग के सामने शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कौन कैसा है मैं नहीं जानती। कोई अच्छे लोग भी हैं तो कोई बुरे भी होंगे, कोई हमारे सपोर्ट करने वाले भी हैं तो कोई हमारे दुश्मन भी होंगे। तो इसलिए मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, जिस दिन मुझे हर चीज़ पता चल जाएगा, इसका क्या रीज़न था, क्यों हुआ था या कैसे हुआ था, मैं हर चीज़ आप लोग से शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मैं हर चीज़ शेयर करूँगी, मेरे हस्बैंड के साथ क्यों, कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी तो खास मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, बिल्कुल सस्पेंस में हूँ कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे हस्बैंड सुबह मॉर्निंग में निकले थे, उसके बाद मैं दोपहर तक अपने हस्बैंड से बात की हूँ 2:30 बजे तक, उसके बाद 6 बजे के समथिंग ऐसे ऐसे खबर आ रहा है। तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता है अभी इसके बारे में कि मेरा दुश्मन बना कौन। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा दुश्मन बना कौन, किसको मेरे खुशी से प्रॉब्लम थी, क्या थी। ये है ना, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने खुशी से खुश नहीं होते हैं, बट किसी की खुशी से उनको दुख होती है। ऐसे भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं कि जैसे आप खुश हो तो उनको दुखी हो जाते हैं। अपना लाइफ जीना नहीं लोग सीखे हैं, दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करना सीखे हैं। तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी, बस थोड़ी सी वेट करो,
मुझे जैसे ही मालूम पड़ेगा तो मैं पक्का आप लोग से शेयर करूंगी। और भाई तुम्हारे कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत बढ़ती है, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारे कमेंट पढ़ के। तो मेरे लिए भाई मुझे मिल गया, और इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है। गॉड ने मुझे बहुत बड़ी गिफ्ट दी, और मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड घर का रास्ता ही भूल गए थे, सुबह गए शाम को घर नहीं लौटे वापस। तो मेरे हस्बैंड रास्ता खो गए थे अपने घर का, उनको रास्ता नहीं मिला। खास उनको मैं लेकर आती, मेरा दिल ऐसे करता है कि मैं खास उनको लेकर आती, या मैं उस दिन घर से बाहर जाने से रोक लेती। मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं, बहुत बेकार हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पाई। और मुझे हिम्मत नहीं होती है वीडियो बनाने का, लेकिन मैं दो बच्चे के लिए कर रही हूँ। मेरे सर में दर्द होने लगता है बोलते बोलते, बहुत तेज दर्द होता है सर में। काफ़ी लोग हैं कि रो के अपना दिखाते हैं या किसी से शेयर करते हैं, मैं किसी से नहीं तो शेयर कर सकती हूँ, नहीं आप लोग को रो के दिखा सकती हूँ। रोना भी आता है तो छुप के रोती हूँ, किसी के सामने नहीं रोती हूँ। हमारे दो बच्चे, अगर मैं इनके सामने रोती हूँ तो इन लोग टूट जाते हैं, तो मैं इनके सामने रो भी नहीं सकती हूँ। तो मेरा लाइफ कितना, कौन सा मोड़ पे मुझे छोड़ के गया है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि कैसे मैं जीऊँगी, कैसे मैं अपने बच्चे को हैंडल करूँगी, पालूँगी, पढ़ाऊँगी। अभी तक मेरा माइंड क्लियर नहीं हुआ है, कुछ नहीं समझ में आता है। बस मैं एक थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखती थी तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया है, तो मैं इसलिए यूट्यूब पे आई हूँ। तो यूट्यूब पे आई हूँ तो इसमें आप लोग का हेल्प रहेगा, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए। और मैं बहुत लोग के इनबॉक्स में भी जाके कमेंट की हूँ, बट सब इग्नोर करते हैं ना। किसी को क्या किसी का दुख से मतलब होता है, सारे लोग इग्नोर करते हैं, कोई भी किसी का हेल्प नहीं करता है। तो प्लीज़ अगर मेरे ऊपर किसी को रहम होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मुझे वीडियो नहीं बनाने आती है, मैं अभी यूट्यूब पे आई हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैं दो चार वीडियो डेली ब्लॉग वाले डाली हूँ, जो डेली रूटीन होती है वो डाली हूँ। तो व्यूज नहीं आते वीडियो पे और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊं, और जो आप लोग को अच्छा लगेगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना ज़रूर। और आप लोग का छोटा सा हेल्प मेरे फेस पे खुशी ला सकती है, तो प्लीज़ हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो मैं यहीं करती हूँ इसे, बातों के ख़त्म कहानी। जब तक के लिए राम राम, नमस्ते, प्रणाम।